अच्छा जी, आज हमारा जो लेक्चर है, जी वही टेबल का जो बकाया सकल रह गया था। दिस इज फिफ्थ लेक्चर ऑफ एमएस वर्ड। इंसर्ट में हमने लास्ट टाइम टेबल इंसर्ट करके देखा था, ये सारे टेबल वगैरह, और इनमें से हम लोगों ने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने करके देखी है। इसमें नेम, क्लास, उसके बाद सिटी, ये अगर नहीं चाहिए तो लेआउट में जाके आप डिलीट कॉलम कर दो उसको। मुझे सिर्फ ये चाहिए, इसको आप ऑटो फिट टू विंडो कर दो। हमने इसमें यहाँ तक कुछ हिस्सा किया था, यहाँ तक कुछ इसका रहता था। अब आपको पता है कि ये जो टेबल टूल्स हैं, ये आपको किस वक्त नज़र आ रहे हैं? जब आप टेबल के अंदर क्लिक करते हो, टेबल से बाहर क्लिक करते हो आपको नज़र नहीं आता वो, ठीक है? अब ये नेम, क्लास, सिटी, मैं अगर कुछ और एक्सटेंड कर लूँ इसमें, तो लेआउट में जाके इंसर्ट बिलो, नीचे और इंसर्ट कर देता हूँ। अब नाम लिखते हैं यहाँ पर, जाहिद, याकूब, वाजिद, बैर, हमजा, अहमद, ठीक है? और नीचे हम एक और ऐड कर देते हैं, इंसर्ट बिलो, दिस इज खुशी। क्लास है जी ऑफिस, ग्राफिक्स, ऑटो कैड, डिजिटल मार्केटिंग, ऑफिस पैकेज, उसके बाद जी वेबसाइट, और करो जी टेक्सटाइल, दिस इज लाहौर, कराची, मुल्तान, कसूर, एंड देन सियालकोट, लाहौर, कराची। अब देखो आपके पास एरो आ रहा है, एरो को अगर यहाँ क्लिक करोगे तो ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। अगर देखो एरो चेंज हो रहा है, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ क्लिक करते हैं, सेलेक्ट हो गया, होम पे जाके इसको मैंने कर दिया बोल्ड, थोड़ा सा बड़ा कर दिया हेडिंग को, ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। अब आप देखो आपका जो डाटा है, जो आपका टेबल है, इसमें जो टेक्स्ट है वो ना तो असेंडिंग ऑर्डर में ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि जाहिद ये जेड के साथ है, जुबैर जेड के साथ है। अब इनको या तो बिल्कुल टॉप पे होना चाहिए, बिल्कुल नीचे होना चाहिए, ए वाला ऊपर होना चाहिए, फिर उसके बाद बी आना चाहिए, मतलब कि ये अल्फाबेटिकली तरतीब से नहीं है डाटा, ना वो ऊपर ए बी सी से नीचे आ रहा है, ना नीचे से ऊपर जा रहा है, ना ही असेंडिंग में ना डिसेंडिंग में। अब अगर इसको मुझे सबसे पहले इसको सॉर्ट करना है, आप जाओ टेबल को क्लिक करो, लेआउट में आ जाओ, और ये आपके पास ऑप्शन आती है सॉर्ट। सॉर्ट जैसे हम सॉर्ट को पहले हम टेबल के अंदर क्लिक करके आपने जाना है लेआउट में, देन आपने सॉर्ट को क्लिक करना है, तो आपके पास देखो एक डायलॉग बॉक्स आ गया है और आपका टेबल पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। इवन कि आपने जस्ट टेबल के अंदर किसी एक सेल में क्लिक किया था, पूरा टेबल सेलेक्ट नहीं किया था आपने, ठीक है? अब ये कह रहा है जी सॉर्ट बाय, ये आपके तीनों कॉलम्स के नाम दे रहा है आपको। आपने किस कॉलम की बेस पे सॉर्ट करना है, नाम की बेस पे करना है, क्लास की बेस पे करना है, या सिटी की बेस पे करना है? आप करते हो नाम की बेस पर। जब नाम की बेस पे करोगे तो अगर ये ऊपर नीचे होंगे तो इनका रेलिवेंट रिकॉर्ड भी ऊपर नीचे चला जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है? अब वो कह रहा है कि आपको डिसेंडिंग में चाहिए कि असेंडिंग में चाहिए। अब ये जो गोल गोल बटन है, इनको क्या कहते हैं हम लोग? दीज आर रेडियो बटन्स, दीज आर रेडियो बटन्स, जो गोल गोल बटन है। और ये पूरा जो बॉक्स क्या कहलाता है आपका? डायलॉग बॉक्स। और ये जो नीचे क्लिक करने से लिस्ट आती है, इसे क्या कहते हैं? ड्रॉप डाउन लिस्ट, दिस इज ड्रॉप डाउन लिस्ट। अभी हम नेम की बेस पे करते हो असेंडिंग ऑर्डर में, जस्ट क्लिक ओके, आप देखोगे कि आपके ये जो नेम है ये रीशफल हो जाएंगे, आपका ए वाले पहले आ जाएंगे, फिर बी वाले, फिर एंड पे आपके जी वाले एंड पे चले जाएंगे, जस्ट क्लिक ओके। अब देखो क्या हुआ है, अहमद, बशीर, हमजा, वाजिद, याकूब, जाहिद एंड जुबैर एंड पे आ गए। ये क्या हुआ आपका? असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब हो चलेगी उसकी। दोबारा क्लिक करो, आप चाहते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाए तो ये डिसेंडिंग में चला जाएगा। अब जुबैर ऊपर चला गया, फिर जाहिद आ गया। आपने देखा पहले जेड यू आर आया, फिर जेड ए वाला आ रहा है,
अच्छा इसको मैं कंट्रोल जी करके वापस लेकर आता हूँ। अगर मेरे जहन में ये क्वेश्चन है कि क्या हम जब वाजिद ऊपर नीचे होगा तो क्या ऑटो कैड और मुल्तान इसका रिकॉर्ड भी ऊपर नीचे जाएगा, इसको कलर चेंज कर लो ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। इसका मैंने रेड कलर कर दिया। अब अगेन आप जाओ लेआउट में शॉर्ट एंड देर इज असेंडिंग ओके। अब देखो ये भी ऊपर नीचे मूव कर गया, उसका रेलिवेंट रिकॉर्ड वाजिद अगर नीचे मूव किया है तो ये उसका रिकॉर्ड भी साथ साथ मूव कर रहा है। ये नहीं हो रहा कि ये ऊपर नीचे हो जाएंगे तो ये जो कोर्स है किसी और की कैटेगरी में आ जाएगा, समझ आए? अच्छा ये है हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये देखो ये बटन आपका ऑफ है, इसको कहते हैं रिपीट हेडर रोज। जो टॉप हेडिंग है उसको हर पेज पे आपने रिपीट करना है। दिस इज द पॉइंट। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि जो ऊपर आपके पास स्पेस आ रही है ना, मैं ऊपर से एक दफा एंटर करने के बाद फिर टेबल इंसर्ट किया था, मैं इसको यहाँ से डिलीट करूंगा तो देखोगे कि टेबल ऊपर मूव कर जाएगा। मैंने स्पेस डिलीट की है डिलीट के बटन को प्रेस करके, वो ऊपर मूव कर गया। अगर हमने टेबल पहले बना दिया है तो आपने इस जगह पे बिल्कुल स्टार्ट पे माउस क्लिक करना है और एंटर करोगे तो वो नीचे स्पेस दे देगा आपको, टेबल को नीचे मूव करके ऊपर आपको स्पेस दे देगा। अब आप एंटर करके इसको नीचे, जितना नीचे करोगे एंटर करके उतनी स्पेस ऊपर क्रिएट हो जाएगी आपके पास। तो अगर इसको वापस ऊपर आना तो क्या करेंगे, तो प्रेस द डिलीट बटन तो मूव अप। अब आप देखो कि नेम क्लास एंड सिटी दिस इज हेडिंग, इसको सिलेक्ट करो। अब आप आ जाओ डिजाइन के अंदर, इसमें आ गए डिजाइन के अंदर आता है जी शेडिंग। शेडिंग में आके आप कोई सा भी कलर अप्लाई कर दो, इसको हमने कलर अप्लाई कर दिया। अब आप इसको सिलेक्ट करो, अपने कीबोर्ड से प्रेस करो कंट्रोल सी या यहां से कॉपी कर लो। हम टेम्परेरीली डाटा एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको करो आप कॉपी, कॉपी करके यहाँ क्लिक करो और प्रेस कर दो कंट्रोल वी पेस्ट, या यहाँ से पेस्ट कर लो वो आपकी मर्जी। ये मैं डाटा एक्सटेंड कर रहा हूँ दूसरे पेजेस पर भी ताकि काफ़ी सारे पेजेस इंक्रीज हो जाएं, वही रिकॉर्ड में पेस्ट करता जा रहा हूँ अदर देन हेडिंग, हेडिंग के अलावा हेडिंग ही ली मैंने इसके अंदर मैंने। अच्छा अब आप देखो आपके पास कितने पेजेस आ गए, 6 पेजेस आ गए और 729 वर्ड्स हैं। अब आप देखो गौर के साथ, अगर मैं इस पेज पर मौजूद हूँ, दिस इज पेज नंबर 5 of 6 से क्या मुराद है कि हम पेज नंबर 5th पर मौजूद हैं, टोटल पेजेस इस डॉक्यूमेंट के 6 हैं ताकि रीडर को आसानी हो देखने में साइकोलॉजिकली के मैं किस पेज पर पहुँच गया हूँ। मैंने लास्ट में आपको एक कमांड बताई थी शायद कंट्रोल जी, इसे क्या करते थे हम लोग, इफ यू वांट टू मूव ऑन द स्पेसिफिक पेज, जैसे मैं 2 को प्रेस करके एंटर करूंगा मुझे क्विकली पेज नंबर 2 पे ले जाएगा। ये लास्ट हम कर चुके हैं हम लोग, हाँ ये जस्ट मुझे एकदम याद आ गई। अब देखो अब आप किसी भी पेज पे जाते हो आपको ऊपर हेडिंग नजर नहीं आ रही, नहीं आ रही नजर हेडिंग आपको, लेकिन अगर हम यहाँ बैठे हैं, अगर डाटा आपका कुछ स्टैटिस्टिक्स में हो, यानी डिजिटल न्यूमेरिक वैल्यूज में हो, कोई रिजल्ट हो, ज्यादा कॉलम्स हो, तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये वाला कॉलम किस चीज़ का है, फिर आपको यहाँ जाके देखना पड़ेगा ऊपर। अगर हम इसका प्रिंट निकाल लें कंट्रोल पी करके प्रिंट निकाल लें तो आपको जिस स्क्रीन पे वो शो करेगा आप देखोगे कि यहाँ पर आपको हेडिंग शो नहीं कर रहा इस प्रीव्यू के अंदर। ये फर्स्ट पेज पे आ जाओ, यहाँ हेडिंग शो कर रहा है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 4, 5 and 6, देयर इज नो हेडिंग। अगर प्रिंट निकाल लेते हो 6 पेजेस का तो आपको हर दफा हेडिंग को चेक करने के लिए पहले पेज पर जाकर देखना पड़ेगा। अगर हम ये चाहें कि वो जो पहले पेज की हेडिंग है हर पेज पर रिपीट हो जाए ताकि मुझे एफर्ट ना करनी पड़े, तो आप इसको स्केप करो। अब आप सबसे टॉप पेज पे जाओ, इस हेडिंग को सिलेक्ट करो और लेआउट में जाओ। अब देखो ये एक्टिव हो गई, पहले डिसेबल थी अब इनेबल हो गई। यहाँ क्लिक करो, दिस इज डिसेबल, दोबारा इसको सिलेक्ट करो, दिस इज इनेबल रिपीट हेडर रोज। इसको अब जस्ट आपने इसको कोई एफर्ट नहीं एक्स्ट्रा, इसको सेट करना है और इस पर क्लिक कर देना, कुछ भी नहीं किया मैंने।
अब नीचे आओ, देखो दूसरे पे भी हेडिंग आ गई एंड दिस इज मैजिक। अगले पेज पे आओ, थर्ड पर, फोर्थ पे आ जाओ, फिफ्थ पे आ जाओ एंड सिक्स्थ पे आ जाओ, तमाम पेजेस की हेडिंग आपकी रिपीट होगी। इसको इसको दोबारा मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, अनडू कर। अब आपके दूसरे पेज पर हेडिंग नहीं है। अगर इसको जूम आउट करके देखें हम लोग, मल्टीपल पेजेस को एक ही व्यू में देखें हम लोग, आप देखोगे कि सिर्फ हेडिंग आपकी फर्स्ट पेज पे शो कर रहा है, बाकी पेज पे कोई हेडिंग नहीं है। आपने सिर्फ फर्स्ट ड्रॉप को सिलेक्ट करना है और आपने लेआउट में जाके रिपीट करना है इसको। अब देखोगे ऑटोमेटिकली हर पेज पे आ जाएगी ऐसे। देन अगर हमें ये कमांड ना आती हो, ना पता हो, फिर हम क्या करेंगे? फिर ये हल होगा, आप इस हेडिंग को यहां से कॉपी करोगे, हर पेज के ऊपर स्पेस क्रिएट करके वहां पेस्ट करते जाओगे। आपको मैन्युअली काम करना पड़ेगा। अगर खुदा ना ख्वास्ता दरमियान में आके कुछ आपको दो तीन एंट्रियां डिलीट करनी पड़ जाएं, दो तीन ऐड करनी पड़ जाएं, तो सारे पेज की तरतीब खराब हो जाएगी। अगेन आपको हर पेज पर जाके सेट करना पड़ेगा। तो ये क्या है कि आप अगर दरमियान में कोई एंट्रियां ऐड हों, डिलीट हों, सब्ट्रैक्शन हो जाए, एडिशन हो जाए, तो इस हेडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऑलवेज इट विल बी ऑन टॉप ऑफ एवरी पेज। क्लियर? दोबारा हम जूम इन कर रहा हूँ इसको मैं कंट्रोल स्क्रोल के साथ, ये आके पास दोबारा डिसेबल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ये कल लास्ट टाइम किया था हम लोगों ने, टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हम इसको सिलेक्ट करें, इतना हिस्सा दोबारा देखो, सिलेक्ट करो, मैं किसी और फाइल पे लेके जा रहा हूँ, मुझे दूसरी फाइल में सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए। क्या करूँगा, होम पे जाके कॉपी कर लूँगा। कॉपी कर लिया, दूसरी फाइल कैसे खोलूंगा? एन, कंट्रोल एन, ओपन द न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एन, नई फाइल खुल गई। अब जस्ट आपने यहां जाके कर देना है कंट्रोल वी टू पेस्ट, इस पे आ गई जी। अब आप इसको करो सिलेक्ट, लेआउट में जाओ, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, जस्ट क्लिक ओके, आपका जो टेबल है टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, कोई इसकी लाइन नहीं आ रही आपको। ऐसे किया था ना, सिलेक्ट लेआउट कन्वर्ट टू टेक्स्ट, देखा ना आपको ये एरो दे रहा है, ये टेबल बना हुआ है छोटा सा और ये छास टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट टेबल को टेक्स्ट में ये कन्वर्ट कर रहा है। जस्ट क्लिक ऑन दिस, आपको टैब ही सिलेक्टेड रहने देना है और ओके कर देना। अगेन आप इसी को सिलेक्ट करते हो, देखो इंसर्ट में जाओ, टेबल में जाओ, ये ऑप्शन डिसेबल है, इसको दोबारा सिलेक्ट करो, टेबल में जाओ, इनेबल हो गया, एक्टिव, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब ये दोनों दूसरे के अपोजिट हैं। ओके, लास्ट में हमने सीवी बनाया था, सीवी में हम लिखते थे एक हेडिंग लिखने के बाद आगे में टैब के साथ जंप करते थे ताकि वो डॉट्स में एक ही लाइन में आ जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी तक आप जैसे कोई सीवी नहीं मिला। ठीक है, सीवी दो जॉब कैसे मिलेगी? अच्छा जी, ये हो गया जी, लेआउट में जाके कन्वर्ट टू टेक्स्ट हो गया हमारा, टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। अच्छा, अगला है जी फॉर्मूला। इसमें हम छोटे मोटे प्लस माइनस वगैरह फॉर्मूला भी कर सकते हैं, वो कैसे? मैं दूसरी फाइल में वापस जाता हूँ, इसी फाइल में जो फाइल में पहले काम कर रहे थे, इसका इतना हिस्सा सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ, तो टेक्स्ट डिलीट हो गया, खाली टेबल रह गया। अब यहाँ कुछ वैल्यूज लिख दो आप, मुझे इन सब का टोटल चाहिए इस जगह पर, इस लोकेशन पर टोटल चाहिए सबका। यहाँ कर्सर रखो, लेआउट में जाओ, फॉर्मूला, जैसे क्लिक करोगे आपको इस डायलॉग बॉक्स में वो कह रहा है इज इक्वल टू सम अबव के टोटल करेगा जो वैल्यूज अबव मौजूद हैं। ओके, 187। अगर यहाँ लिखा है 200, यहाँ लिखा है 300, इन दोनों का टोटल यहाँ चाहिए,
फॉर्मूला अब क्या दे रहा है, इज इक्वल टू सम लेफ्ट, यानी यहाँ वो सेल नहीं ले रहा एक्सेल की तरह, यहाँ अबव एंड लेफ्ट साइड ले रहा है। ओके 500। अगर हम चाहते हैं उल्टा इसका टोटल करना है, मतलब इनका टोटल मुझे यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए, हालांकि होता नहीं है ऐसे, फॉर्मूला में जाओ, सिर्फ इज इक्वल टू साइन दे रहे हैं। अब लिखो आ सम ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ लिख दो बिलो, कि जो नीचे हैं उनका टोटल कर दो। अगर मेरा सेल यहाँ है 400, यहाँ 400, यहाँ टोटल चाहिए, ऐसे भी नहीं होता, फिर ये कहेगा जी इज इक्वल टू सम राइट। ओके तो आप अपने पास ये लिख लो, अपने पास इज इक्वल टू सम क्या लेफ्ट, अब लेफ्ट की जगह पर ब्रैकेट में राइट अबव बिलो चारों आ सकते हैं, इज इक्वल टू अबव ऑटोमेटिकली ले लेगा, लेफ्ट ऑटोमेटिकली लेगा, सिर्फ राइट और बिलो आपको लिखना पड़ता है। क्या क्या होगा, राइट लेफ्ट बिलो अबव, और अगर आपको एक्सेल के लेवल की चाहिए इस कैलकुलेशन की, फिर आपको इंसर्ट एक्सेल की करनी पड़ेगी, मैं लास्ट टाइम कल बताई थी मैंने आपको इन प्रीवियस लेक्चर, ठीक है जी। अच्छा जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन तब होते हैं या तो समझ आई हो, या समझ ना आई हो, या बिल्कुल समझ ना आई हो, या प्रैक्टिस ना की हो, या हाँ जी असेंडिंग, हाँ जी ये देखें, ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ असेंडिंग डिसेंडिंग को। अब यह देखो Z ऊपर है, Y W Z हमजा अहमद नीचे आ रहा है ना, अब हमजा का रेलिवेंट ऑफिस है और सियालकोट है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड हो गया। अब जस्ट यहाँ क्लिक करो, लेआउट सॉर्ट, सॉर्ट करते हो इस कॉलम की बेस पर असेंडिंग ऑर्डर में। ओके अब हमजा इधर था, हमजा इधर चला गया, क्यों, ए एच डब्ल्यू वाई जी जी, इसलिए मैंने सेलेक्ट करके समझाया आपको कि जो हमजा का जो रिकॉर्ड था वो भी उसके साथ ही मूव कर रहा है ऊपर नीचे, खाली हमजा नहीं ऊपर नीचे जा रहा, मतलब वो ना हो कि हमजा की क्लास ही चेंज हो जाए डाटा ऊपर नीचे करने से। मैंने सेलेक्ट इस समझाने के लिए बताया कि देखो रेड के साथ पूरा रेड ऊपर जा रहा है, पूरा रेड नीचे जा रहा, ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हो गया जी। अच्छा अब आप देखो, अगर मुझे ये जो इस ये जो डाटा है अभी टेबल है, मुझे ये टेक्स्ट इसी जगह पे चाहिए, मैं इसको कन्वर्ट टू टेक्स्ट भी नहीं, अगर कन्वर्ट टू टेक्स्ट करता हूँ देखो इस पर क्या चेंजिंग आ रही है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट करोगे ना तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसका थोड़ा सा गैप आ गया, कंट्रोल जी करो, मैं चाहता हूँ गैप ना आए, और लेकिन टेबल भी नहीं चाहिए मुझे प्रिंट में। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल पी करके प्रिंट प्रीव्यू लेता हूँ, देखो सारा टेबल भी आ रहा है, स्केप करो फिर सारे को सिलेक्ट करो और लेआउट में आ जाओ, उस मुझे ये लाइंस नहीं चाहिए लाइंस, हाँ तो आप आ जाओगे डिज़ाइन के अंदर, डिज़ाइन में आके एक ऑप्शन आती है बॉर्डर्स, बॉर्डर्स के अंदर आता है जी नो बॉर्डर्स, सारी लाइनें ख़त्म हो जाएंगी, नो बॉर्डर्स, ओके लाइंस ख़त्म हो गई लेकिन टेक्स्ट की तरतीब ख़त्म नहीं हुई, टेक्स्ट उधर का उधर ही पड़ा हुआ, लेकिन आपको छोटे छोटे ग्रिड लाइंस दिखाई दे रही हैं, ग्रिड लाइंस दिखाई दे रही हैं यहाँ एडिटिंग लेवल पर, लेकिन जब प्रिंट निकालोगे तो आपको वहाँ लाइनें शो नहीं करेगा, यहाँ ग्रिड लाइंस एडिटिंग लेवल पर इसलिए शो कर रहा है ताकि आपको काम करने में आसानी हो, ब्रेकअप का अंदाज़ा हो जाए कि मेरा कॉलम कहाँ ख़त्म हो रहा है। अगर आप चाहते हो ग्रिड लाइन यहाँ भी नज़र ना आए तो आप लेआउट में जाके ये व्यू ग्रिड लाइन का बटन है इसको यहाँ से ऑफ कर दोगे तो ख़त्म हो जाएंगे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर देखो व्यू ग्रिड लाइंस, दोबारा सेलेक्ट करोगे फिर होम पे जाओगे, ये
कलर में जाके ऑटोमेटिक कर दो, दोबारा ब्लैक पे चले जाएगा। सारी कमांड के टूल्स आपको जैसे जैसे करते जा रहे हैं, इसमें हमारी कमांड्स लेआउट्स टैब आगे मूव करते जा रहे हैं, मेरे बाहर पास एक इकट्ठे होती जा रही काफ़ी सारी चीज़ें। अगर पिछले को याद नहीं कर रिपीट नहीं करेंगे बार बार तो पिछला होते जाएंगे, अगला याद करते जाएंगे, जैसे बच्चे से कुछ पढ़ा पढ़ा होता पिछला होता जाता है अगला पढ़ता जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे नहीं करना उस, हाँ इसलिए आपने बार बार रिविजन करनी उस चीज़ की आपने बार बार। अब असल काम ये है सारा सॉफ्टवेयर करने के बाद जब आप समय टास्क आ जाए ये चीज़ें कौन सी कहाँ पड़ी फॉरन क्विकली जंप कर देना उसके ऊपर रेलिवेंट चीज़ के ऊपर। अब ये ग्रिड लाइन समझ आई आपको, ग्रिड लाइंस ठीक है। फिर दोबारा मैं लेयर टेबल में जाता हूँ, टेबल में जाके हमारे पास है जी डिज़ाइन, देर इज बॉर्डर्स एंड ऑल बॉर्डर्स, दोबारा लाइनें आ गई। मैं इस टेबल को छोटा करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ टेबल है ना ये जगह सारी खाली पड़ी हुई है, ये जगह खाली पड़ी है, ये जगह खाली पड़ी है। अब मैं चाहता हूँ कि जितनी सिटी से जगह कवर की हुई है तो ये टेबल लेफ्ट साइड पे आ जाए, इधर कुछ टेक्स्ट भी लिख लें साथ इसके हम लोग पैरेलल, इसको क्लिक करो और क्लिक करने के बाद जाओ लेआउट में, देर इज कमांड ऑटो फिट टू कंटेंट्स जिसने हमने कल किया था। कंटेंट इसको कहते हैं जो टेबल के अंदर लिखा हुआ है वो है इसका कंटेंट, इसको करो क्लिक तो उन्होंने टेबल के कंटेंट के विड्थ के हिसाब से उसको चेंज कर दिया। अगर हम इसको कम करते हैं ना, ये देखो खाली डिजिटल कर देता हूँ तो और छोटा हो गया। अब मुझे इस साइड पर टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिखना मुझे, अब ध्यान से देखना है इसको, मैं यहाँ रख के कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, ये कुछ टेक्स्ट ले लिया मैंने, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको हमने यहाँ से जस्टिफाई कर दिया, लेकिन ये टेक्स्ट मेरे बैकस्पेस करके करने के बावजूद इधर नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ लाने के लिए अगर तो यहाँ नहीं लेके आऊँगा तो ये टेबल इधर होगा लेफ्ट साइड, ब्लैंक स्पेस बहुत ही बुरी लग रही है। आप क्या करो लेआउट में जाओ, वहां देखो एक ऑप्शन आ रही है प्रॉपर्टीज, आपने टेबल के अंदर क्लिक किया हो यह होगा लेआउट प्रॉपर्टीज, इस पर करोगे क्लिक और आपके पास इस डायलॉग बॉक्स में ये डिफरेंट आपको टैब्स दे रहा है, दीज आर द टैब्स, आपने रहना है पहले टैब में टेबल के अंदर ही रहना है। उसमें देखो आपके पास एक आपके पास ब्लॉक आ रहा है अलाइनमेंट का, दूसरा आ रहा है रैप का, टेक्स्ट रैपिंग एंड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में वो कह रहा है टेबल पेज की लेफ्ट साइड पर है, अगर मैं राइट पे करूंगा और ओके करूंगा तो टेबल राइट पे आ जाएगा, समझे। कोई भी टेक्स्ट रैप नहीं करनी पड़ी, प्रॉपर्टीज लेफ्ट लेफ्ट पे आ गया, प्रॉपर्टीज सेंटर टू सेंटर में आ गया, फिर प्रॉपर्टीज लेफ्ट करके लेफ्ट पे ले आता हूँ, टेक्स्ट अभी भी नहीं आया, मुझे क्या करना है प्रॉपर्टीज में जाके इस ब्लॉक के साथ साथ मुझे टेक्स्ट रैप में लिखा हुआ नन, मैंने करना है अराउंड, किसको सेट करना है अराउंड, रैप मीन लपेटना, वो रैप हो जाता है उस ऑब्जेक्ट के अराउंड, ओके करो, लेफ्ट पर ही टेबल रहेगा उसके अराउंड टेक्स्ट चला जाएगा, ओके। जबरदस्त कमांड। इसी तरह लास्ट हमने किया था इमेज का किया था, यहाँ रखो इंसर्ट पिक्चर किया था हम लोगों ने, पिक्चर में जाके मैं यहाँ से कोई पिक्चर ले लेता हूँ, डेस्कटॉप को पड़ी होगी कोई भी पिक्चर लेते हो आप, फॉर एग्जांपल यहाँ से जाके हम लोग ये पिक्चर लेते हैं, इसका साइज छोटा कर लेते हैं 2। अब ये टेक्स्ट पिक्चर को क्लिक करो, क्लिक करने के बाद अब देखो पिक्चर की या इधर रैप आ रहा है, रैप टेक्स्ट थ्रू पिक्चर के राउंड यहाँ से भी आ जाएगा, क्लिक फॉर्मेट रैप थ्रू, याद रहेगा लिख लो पिक्चर के लिए आपको कहाँ जाना पड़ रहा है फॉर्मेट के अंदर, और टेबल की कहाँ जाना पड़ता है प्रॉपर्टीज के अंदर, दोनों चीजें डिफरेंट जगह पड़ी हुई जी। पिक्चर के लिए आपने जाना है, जब पिक्चर को सिलेक्ट करोगे ऊपर फॉर्मेट का टैब आ जाएगा,
उसके अंदर आपने जाना है रैप टेक्स्ट, डब्ल्यू आर ए पी, उसके बाद रैप टेक्स्ट। लिख सकते हैं लेकिन आप लिख रहे हो आप, पहले इसको अपने रैप कर लेना है, अपने इसको फॉर्मेट में जाके रैप कर लेना है। अगर मैं करता हूँ ना, देखो टाइट स्केयर या इन लाइन, अगर मैं करता हूँ टॉप एंड बॉटम दो को नीचे फेंक देगा, बिहाइंड टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा वो, इन फ्रंट टॉप आगे आगे ले आएगा, टेक्स्ट पीछे चला गया। तो सबसे बेहतरीन थ्रू ही है इसका रैप है थ्रू, उसका था राउंड, टेक्स्ट का राउंड था थ्रू। ओके, अब आप इसके राउंड कुछ भी लिख सकते हो। और ये आपको जब आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हो तो बड़ी ज़बरदस्त बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्पेशली आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो, या कोई स्कूल के बच्चों के नोट्स बना रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, लेआउट में जाके टेबल मेरा हो गया, डिज़ाइन हम कर रहे थे। अब डिज़ाइन में मैं यही टेबल दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, हमने किया कॉपी और नीचे रख के हमने किया है इसको पेस्ट। अब इसको क्लिक करो, लेआउट में आओ, ऑटो फिट टू विंडो, ऐसे ही ना, ऑटो फिट में आके ये कंटेंट है और ये ऑटो फिट में विंडो है, फुल विड्थ जब कल लास्ट सेशन में किया था हम लोगों ने इसको। आगे डिजाइन आता है, डिजाइन में आगे क्या है, आप या तो इसको सिलेक्ट करके इनको कोई शेड देते हो, आप कौन सा कलर देते हैं जी, हम इसको ये कलर दे देते हैं, और इस हिस्से को सिलेक्ट करके अपनी मर्जी का कोई और कलर दे देते हो, इट्स अप टू यू, कुछ भी दे सकते हो आप, अगर आप कलर प्रिंटर आपके पास है। ठीक है, अगर तो ये मुझे यहाँ से नहीं पसंद, तो ये ऑलरेडी बने बनाए कुछ सैंपल पड़े हुए हैं, इनमें से जो भी सिलेक्ट करोगे वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, अब ये कह रहा है, देखा ना ये लाइट है ये डार्क है, आपको सेग्रीगेट करके दे रहा है वो। अब वो कह रहा है कि ये आपको ना कुछ उसके टेबल के स्टाइल्स की ऑप्शंस को प्लस माइनस कर रहा है, फर्स्ट कॉलम बिल्कुल हाईलाइटेड है, ऑफ करोगे तो ये वो नॉर्मल हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, हेडर रो, टॉप रो, टोटल रो, बैंडेड रोज, बैंडेड कॉलम्स, जबकि मर्जी आपको ये ज़रूरत है या नहीं है। और ये शेडिंग ने बताया आपको, बॉर्डर्स मीन के कंट्रोल जी करो वापस, कंट्रोल जी करके मैं इसको वापस लेकर आ रहा हूँ। अभी आ रहा है जी, इसको सारों चारों तरफ मुझे डबल लाइन चाहिए, इसको सेलेक्ट करो, बॉर्डर में जाओ, बॉर्डर एंड शेडिंग, उसमें जाके लाइन का कौन सा स्टाइल चाहिए, हमें चाहिए डबल लाइन, कहाँ चाहिए डबल लाइन, आउटसाइड, और जो सिंगल लाइन है वो चाहिए इनसाइड और इनसाइड। ओके, देखो बाहर डबल लाइन है, अंदर सिंगल लाइन आ गई। ठीक, दिस वन, फिर क्लिक करो इसमें, लेआउट, डिजाइन, बॉर्डर, बॉर्डर के अंदर आता है बॉर्डर एंड शेडिंग। इसमें आपको मैं पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी, पेज बॉर्डर हमने किया था लास्ट टाइम, हमने पेज बॉर्डर पहले किया था हम लोग, वो यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग। तो जी आज हमारा टेबल के डिज़ाइन वाला एरिया भी मुकम्मल हो गया है और टेबल लेआउट वाला एरिया भी मुकम्मल हो गया है। ठीक है, और अभी हम लोग इंसर्ट में जस्ट यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर ये चीज़ें हमारी पड़ी हुई हैं सारी, अपनी ये हमने लास्ट में किया था ना पिक्चर किया था, बस अभी हमने यहाँ से आगे ये चीजें कर रही हैं हम लोगों ने। अब नेक्स्ट आप कोई भी ले लें, मसलन आप फॉर एग्जांपल आपने ये ले लिया, मैंने नीचे आके आपने ये ड्रॉ कर दिया और इसके अंदर टेक्स्ट लिख, पहले यहाँ से इसको अच्छा सा लाइट सा कलर चूज कर लो आप, इसके अंदर लिखना है राइट क्लिक एड टेक्स्ट, ये आपने इसका टेक्स्ट लिख लिया। अब आप इसको ख़त्म कैसे करते हो, इसको दोबारा करते हो सिलेक्ट, जस्ट क्लिक डिलीट, हाँ
ये नहीं चाहिए तो इसको सिलेक्ट करके पहले आप कट करके लेदर रख लो, इसको डिलीट कर दो, फिर उसको यहाँ पेस्ट कर दो। वो फिर आपका दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है ना, वो इंसर्ट में जाके आप शेप में जाते हो, ये आ रहा ऊपर आपका टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ से कर लो या टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से क्विक टेक्स्ट बॉक्स कर लो या यहाँ से कर लो, ये पिक्चर भी लगा सकते। अब ये ना फॉर एग्जांपल इसी को मैं करता हूँ कंट्रोल डी, ये एक और बॉक्स आ गया। कंट्रोल डी मीन टू डुप्लीकेट द ड्राइंग्स, टू डुप्लीकेट द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, कंट्रोल डी। अब आप इसको करो सिलेक्ट, आपने किया इसको डिलीट, अब यहाँ रख के आप इंसर्ट में जाते हो, पिक्चर में जाते हो, पिक्चर में जाकर कोई पिक्चर आप इंसर्ट कर दो। लो जी हम लोग ये पिक्चर दरमियान में ले आए। अब मुझे ये बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर को करो सिलेक्ट, बॉर्डर के फॉर्मेट में आ जाओ, बॉर्डर की यहाँ पर होंगी जी शेप आउटलाइंस, इसको कर दो जाके नो आउटलाइन, फिर खत्म हो जाएगा। मतलब आपने आउटलाइन को डिसेबल किया, टेबल नहीं क्लियर, टेबल अपने वो बॉक्स नहीं डिलीट किया, आउटलाइंस को आपने डिसेबल कर दिया, नन नहीं चाहिए। लेकिन जब क्लिक करते हो तो आप ओवरऑल इसको ही सेलेक्ट कर रहे हो, तभी मूव कर रहा हो। टेबल लगाने का फायदा ये है कि आप जहां मर्जी उसको टेक्स्ट को रख सकते हो। अब ये आपका बॉक्स है, अगर इसको पकड़ के रखूंगा ये नहीं जाएगा सही तरह से, ये जहां मर्जी रख दो। आप टेबल लगाने का मकसद, बॉक्स लगा के काम करने का मकसद ये है, यू कैन प्लेस एनीवेयर। ठीक है जी, अच्छा लास्ट टाइम हमने आई थिंक टेबल मुकम्मल किया था, इंसर्ट में जाके टेबल। हाँ सॉफ्टवेयर हमारा चल रहा है एमएस वर्ड और ये उसका तकरीबन 4 या 5 लेक्चर है उसका। तो आज हम करेंगे इसमें इंसर्ट टैब में ये पिक्चर से आगे इलस्ट्रेशन वगैरह, ये ट्विली कमांड्स। ठीक है, अब जिस तरह हम लोग अगर कोई भी सीवी बनाते हैं या कोई भी हम लोग नोट्स वगैरह बना रहे हो उसमें हमने पिक्चर इंसर्ट करनी हो, ठीक है, यहाँ फॉर एग्जांपल हम कुछ भी टेक्स्ट लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। टेक्स्ट लिखने के बाद अब ये हमारे पास कोई भी टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के आपको राइट लेफ्ट अगर पिक्चर चाहिए, कल भी मैंने बताया था, आप इसके इस साइड पर आप रखते हो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पिक्चर चाहिए, ये आपका पिक्चर का आइकन आ रहा है। अब यहाँ से कोई भी आपके पास अवेलेबल पिक्चर है उसको आप लगा सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ये एज ए लोगो आपके पास आ गया। अब इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्शन के बाद आपके पास देखो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं आ रहा, अभी व्यू के आगे कुछ नहीं है। जैसे पिक्चर पे आप क्लिक करते हो तो आपको उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ दे रहा है पिक्चर से रेलिवेंट। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ से आप इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। आप लोग पिक्चर को सिलेक्ट करोगे देन शो करेगा आपको, वैसे नहीं शो करेगा ये। आप इसको अगर 1.26 है ना, यहाँ से अगर रिड्यूस करते हो देखो पिक्चर रिड्यूस हो रही है, इंक्रीज करते हो इंक्रीज हो रही है पिक्चर साइज। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि ये जो पिक्चर है इसके राइट साइड पे इधर टेक्स्ट भी आ रही है, जो टेक्स्ट जो नीचे आ रहा है ना इसको इसके राइट साइड पे होना चाहिए, तो आप पिक्चर को सिलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ, ये है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में आप क्या करोगे थ्रू, जैसे थ्रू को सिलेक्ट करोगे आप देखोगे कि जो टेक्स्ट है वो उसके बिल्कुल राउंड आपके उस रैप कर रहा है वो। फिर सिलेक्ट करो, अब टेक्स्ट रैप में जाके अगर करते हो ना स्केयर, अब देखो टेक्स्ट आपका स्केयर बॉक्स में है, बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट लाइन आ गई। फिर सिलेक्ट करो और इसमें जाके करते हो बेहतर थ्रू ही आपका, अगर बिहाइंड करते हो तो वो टेक्स्ट के पीछे चला जाता है, इन फ्रंट ऑफ करते हो तो वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाता है, दोनों सूरतें ठीक नहीं है, तो बेहतर ये कि इसको थ्रू कर दो आप, ये सबसे बेहतर है। ठीक है, फिर इसी को सिलेक्ट करके आप कोई यहाँ से दूसरी पिक्चर चेंज कर सकते हो, चेंज पिक्चर, दिस इज चेंज पिक्चर, क्लिक करो आपको दूसरी पिक्चर यहाँ लेकर आ जाओ जो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है जी, कोई और ले लो आप,
पिक्चर चेंज हो जाएगी। इसमें भी देखो टेक्स्ट उसके आइकन के हिसाब से रैप कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इसको कोई डिफरेंट इफेक्ट्स देना चाहो, ये देखो डिफरेंट फ्रेम्स हैं, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, जो आप सिलेक्ट करो, अदरवाइज नहीं करोगे नहीं आएगा कोई। और अपने को उसका कलर चेंज इफेक्ट चेंज करना है, जिस तरह से मोबाइल एप्लीकेशन में होते हैं चीज़ें। और यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड करनी है, तो खैर है ही नहीं इसकी ऑलरेडी। अब ये इसी को सिलेक्ट करके, ये रैप है ना, एक इसका आता है पोजिशन। पोजिशन के लिए मैं कुछ टेक्स्ट और ले लेता हूँ यहाँ पर ना, जूम करके। अब इसी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर लो, यहाँ से करो कॉपी, यहाँ रख के पेस्ट कर दो आप, ठीक है। नीचे आ गया, अब थोड़ा सा और इंक्रीज कर दो आप, ये टेक्स्ट आपका आ गया। लेकिन आपकी जो पिक्चर है इसको आप सिलेक्ट करो, सिलेक्शन के बाद फॉर्मेट में जाओ, ये पोजीशन है। अब पोजीशन में आप कहते हो कि मुझे पिक्चर चाहिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर या मुझे चाहिए सेंटर में। जैसे आइकन सिलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली उसको उस जगह पे ले आएगा, सेंटर राइट मिडल, राइट मिडल सेंटर, लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, ठीक है। उसके हिसाब से ये खुद ही आइकन अपनी जगह बना रहा है। ये क्या कहला रहा है, पोजीशन, पोजीशन ऑफ द पिक्चर। लेकिन सिलेक्ट का आपने पिक्चर को किया है और पोजीशन में जाके आपने इसको, और इसको करने के बाद फिर एक फ़ायदा और भी है, पोजीशन के बाद इस पिक्चर को अपनी मर्ज़ी से उठा के आप कहीं भी फिजिकली रख सकते हो। मुझे ये यहाँ चाहिए, या मुझे इस जगह पे चाहिए, या मुझे इस जगह पे चाहिए, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट उसके राउंड चला जाएगा, पिक्चर अपनी जगह खुद ही बना लेगी, क्योंकि हमने उसको अब ये भी ये नाम भी करें ना पिक्चर का, हम लोग सिर्फ पोजीशन दे दी है, तो इसकी मदद से रैप कर सकते हैं। एनी वन ऑफ देम, कोई भी ले सकते हो आप। लेकिन अगर ये हो कि पिक्चर सारी इधर आ रही है और आपका टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल टॉप बॉटम किया हुआ आपने, ये सारा खाली पड़ा हुआ, तो ये बुरा लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए। फिर मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि आप इंसर्ट में जाके अगर आप यहाँ से लेते हो शेप, शेप में जाके है जी आपके पास टेक्स्ट बॉक्स। अब आप पहले टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा कर लो और उसके अंदर क्लिक करके या तो टेक्स्ट लिख लो, वो आपकी मर्ज़ी है। फ़ायदा क्या है कि इस टेक्स्ट को उठा के आप जहाँ मर्ज़ी रख सकते हो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, साइज छोटा कर लो, इसके ऊपर ले आओ, एनीवेयर। दूसरा हमने क्या बताया था कि इसके अंदर आप क्लिक करके कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट पिक्चर, कोई और पिक्चर ले आओ, तो जिस साइज़ का बॉक्स होगा उस साइज़ की पिक्चर एडजस्ट कर देगी। फिर इसको उठा क्लिक करो और उठा के जहाँ मर्जी रख दो आप, ये फ़ायदा है बॉक्स में लिखने का या बॉक्स में पिक्चर को रखने का, एनी वेयर यू कैन प्लेस, अदरवाइज मसला हो जाता फिर, वरना फिर अपनी मर्जी से नहीं रख सकते आप, ठीक है जी। ये था हमारा पिक्चर इंसर्ट करने का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लिप पार्ट्स। अब क्लिप पार्ट्स को क्लिक करो तो आपके पास इस साइड पे आपको एक पैलेट नज़र आएगा। अब यहाँ पर इसके लिए बेहतर है कि आपका नेट कनेक्ट हो, ना भी हो तो इसके अंदर जो मौजूद आइकन है वो दे देगा। बुक्स लिखी है, मैं गो लिख करता हूँ इसको, तो आपको बुक्स जिसमें ये बेसिकली एमएस वर्ड की अपनी लाइब्रेरी है, एमएस वर्ड की अपनी लाइब्रेरी है ये, आप यहाँ लिखते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जहाँ कहीं माउस होगा आप जस्ट इसको क्लिक करोगे तो आपके पेज पे आ जाएगा, दूसरे पेज पे आ जाएगा वही आइकन। या आपको यहाँ से चाहिए बिल्डिंग्स, गो करोगे तो बिल्डिंग्स आपको दे देगा वो, इसको क्लिक करो वो पिक्चर आ जाएगी, यहाँ क्लिक करो तो वो पिक्चर आ जाएगी। एडजस्ट फिर पहले तो कोशिश करो कि जहाँ पे आपको चाहिए, या पहले आप टेक्स्ट बॉक्स ले लो, टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करके आपका कर्सर यहाँ क्लिक हो जाए, फिर क्लिक करो इसको, फिर आप इसको सिलेक्ट करो और जहाँ मर्जी रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉर्डर को सिलेक्ट करोगे, ये प्रॉपर्टीज आ जाएंगी फॉर्मेट, फॉर्मेट में जाके आपके पास आ रहा है जी आउटलाइन शेप्स, आउटलाइन शेप में जाके नो आउटलाइन। अब देखो आउटलाइन ख़त्म होगी उसकी, जब भी मूव करना है
अब इस बॉक्स को पकड़ो, मर्जी से कहीं भी मूव कर दो। ठीक, इंसर्ट पिक्चर और शेप। नेक्स्ट हमारे पास है स्मार्ट आर्ट। एक मिनट, अच्छा जी, ये था हमारा शेप्स, सॉरी क्लिप आर्ट। इस अब ये क्लिप आर्ट में जो जो यहाँ लिखते जाओगे उससे रेलिवेंट आपको जो आइकन देता जाएगा। मसल यहाँ करता हूँ मैं बॉयस, गो को क्लिक करो। यहाँ पर कुछ इमेजेस, ऑल टाइप्स, स्टेशन, फोटोज, इंक्लूड ऑफिस कंटेंट। अब ये मैंने सर्च किया ना इंक्लूड ऑफिस डॉट कॉम, फिर ये इंटरनेट पे चला गया, वहाँ से स्टूडेंट ढूंढ के लाया है ये इंक्लूड ऑफिस डॉट कॉम। अब इसको यहाँ रखो, माउस क्लिक करो। अब इस पर थोड़ा सा डिले लेगा, वो पिक्चर लोड होके आ रही है। ठीक है, आप यहाँ लिखो फ्लावर्स, गो। तो नेट से फ्लावर ढूंढ के ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखो, क्लिक करो। सिर्फ एक दफ़ा क्लिक करना है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, वो ये फिर डाउनलोड होके आती है नेट से। इसमें दो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, इसमें डाउनलोड अपलोड। डाउनलोड मीन जो नेट से आपके सिस्टम में आ रही है, दिस इज़ डाउनलोड। जो सिस्टम से नेट पे जा रही है, दैट इज अपलोड। डाउनलोड अपलोड, अभी हमने पिक्चर सर्च की है, हमारे सिस्टम में आ गई, वर्ड में आ गई, दिस इज डाउनलोड। अगर मैं किसी उसको CV बनाता हूँ वर्ड में, या कोई डॉक्यूमेंट में भेजता हूँ, किसी को ईमेल करता हूँ, तो मुझे उसके साथ अटैच करना हो, अटैच करके भिजवानी पड़ती है। जो अटैच होगा दैट इज अपलोड। क्लियर? अच्छा जी, अब इस पिक्चर के साथ वही जो हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज़ की, ये सारी प्रॉपर्टीज़ कर सकते हो। विड्थ इसकी हाइट, विड्थ कम कर लो। ये देखो, ये आपके पास इनमें से कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर दो, ये देखो जो मर्जी अप्लाई करो। बाकी सारे इफेक्ट्स वही हैं, सिर्फ आपने वहाँ से सिलेक्ट किया। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा नीचे आओ, यहाँ रखो इंसर्ट शेप्स। अब शेप्स के अंदर बेशुमार टाइप्स की शेप्स पड़ी हुई हैं, जो आपको चाहिए किसी एक को क्लिक करो और उस शेप को यहाँ ड्रा कर लो। आप कलर चेंज करना है, यहाँ से कलर चेंज कर लो, आप कोई भी कलर ले लो, आप जो आपको समझ आती है वो कलर ले लो। अब आपने इसके ऊपर लिखना भी है अगर, तो सिलेक्ट करो, फिर आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट, तो आप इस पट्टी के ऊपर लिख सकते हो। आप सिलेक्ट, राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट, अब इसके ऊपर आप कुछ भी लिख लो। डन, इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करो, होम पे जाओ, इस साइज बड़ा कर लो यहाँ से और बोल्ड कर लो। तो इस टाइप की आप देखोगे कि आपके इंसर्ट शेप में बेशुमार शेप्स हैं। ये ले लो, ठीक है, इसके आपके एक और कॉपी चाहिए तो क्या करोगे, कंट्रोल डी, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, फिर कंट्रोल डी करेगा, एक और डुप्लीकेट हो जाएगी। और इसी को सिलेक्ट करके, ये ना येलो एरो आ रहा है, इसको ऊपर कर दो तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये है जी स्कूल जाते वक्त, ये स्कूल से आते वक्त, ठीक हो गया। और ये छुट्टियों में ज़्यादा खुला होगा मुँह, ठीक है। शेप्स देखे ना, बेशुमार शेप्स, कुछ भी आप ड्रा कर सकते हो। उसके बाद है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में आपके पास काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो ग्राफिकली आप कम्युनिकेट करने के लिए, या कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, नोट्स हैं, कोई अपनी डॉक्यूमेंट्री बनानी है, उसमें कर सकते हो आप। अब स्मार्ट आर्ट को जैसे क्लिक करोगे ना, आपसे इस डायलॉग बॉक्स में आपसे पूछेगा कि आपने कोई लिस्ट बनानी है, कोई प्रोसेस शो करना है, कोई साइकिल शो करना है, कोई हायरार्की बनानी है, कोई रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स, पैरामाइंड, पिक्चर्स, काफ़ी किस्म की ऑप्शंस हैं। आप कहते हैं मुझे कोई लिस्ट बनानी है,
अब लिस्ट में आप सेलेक्ट करते हो कोई भी इनमें से कोई एक हाँ डिजाइन सेलेक्ट कर लो, आप कहते हो मुझे ये वाला चाहिए। ओके ठीक है जी। अब इसको बड़ा खूबसूरत तरीके से हम लिस्ट बना सकते हो, आप क्लिक करो, अब यहाँ लिख दो जी 9th क्लास, ये है जी हमारी 10th क्लास, ये हमारी है जी 8th क्लास। अब इसको सेलेक्ट करो, कलर चेंज करो, कलर कोई भी दे दो खूबसूरत से कलर जो आपको समझ आती है। इसको ग्राफिकली यहाँ से इसके स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स अप्लाई कर दो, आपको ये स्टाइल चाहिए ना 3D लुक में आ जाएगा, ऐसे चाहिए आपको, ये चाहिए, ये चाहिए, ये इस तरह चाहिए, किस तरह चाहिए। मसलन आप लिस्ट टाइप भी तो कर सकते हो ना, उससे बेहतर कि आप ग्राफिकली ऐसे बना लो तो अगर आप प्रेजेंट करना अच्छा लगेगा उसमें, ठीक है। ये आई थिंक दिस इज़ गुड। अब आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हो, इसको सिलेक्ट करो, जैसे सिलेक्ट करोगे आपके पास ये सारे टूल्स आ जाएंगे। तो आपके पास इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एक और चाहिए, ये लिखा है जी ऐड शेप, इसको करो क्लिक, एक और ऐड हो गया। इस पे लिखना कैसे है, ये नीचे आ रहा है टास्क पैन, इस पे क्लिक करोगे तो ये बॉक्स आ गया, यहाँ लिख दो जी 7th क्लास। एक और क्लिक करो 6th क्लास, ठीक है आपने सेलेक्ट किया, ये है रीसेट ग्राफिक्स, क्लिक करोगे दोबारा 0 पे ले आएगा, अपनी मर्जी के सिंपल कलर दे दो, कंट्रोल जी मीन अंडू गो बैक, दोबारा वापस ले जाएगा उसी में आपको कंट्रोल वाय। ठीक हो गया जी। अब आप इसको ले लो, आप कहते हैं मुझे ये ठीक है, मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है, यहाँ से दूसरे स्टाइल ले सकते हो आप कहते हैं जी मुझे चाहिए ये वाला स्टाइल, ठीक है ये वाला स्टाइल चाहिए। अब इस स्टाइल में क्या क्या खूबसूरती है, आपको ये पिक्चर भी साथ दे रहा है, आप आइकन भी लगा सकते हो, इस पिक्चर पे क्लिक करो, आपने यहाँ लगाना है, ये लगाना है, इस पे क्लिक करो, आप कहते हो मुझे ये पिक्चर लगानी है, देखो और खूबसूरत हो जाएगा वो, रेलिवेंट आइकन लगा सकते हैं उनके ऊपर। मेन आपकी ये देखो स्मार्ट आर्ट में जाने का मकसद ये है कि उसी चीज़ को आप बुलेट्स में नंबर्स में लिख सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, लेकिन अगर आप इसे करोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन और खूबसूरत हो जाएगी, ये मकसद बनाने का इसको मीन टू प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट और एनी नोट्स और एनी एनी टॉपिक इन अ अट्रैक्टिव वे। फिर इसी में और जाओ इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, अगर हम यहाँ बनाते हैं प्रोसेस, कुछ आपने अपने लाइफ साइकिल शो करना है किसी प्रोसेसिंग का, अब यहाँ क्लिक करो ओके। अब यहाँ से लिख सकते हो जी इसका भी डिज़ाइन चेंज कर लो आप, कि पहले आप इस जगह पे आते हो, फिर यहाँ से इधर आते हो, फिर यहाँ से इधर जाते हो, लाइफ साइकिल टाइप, अक्सर प्रोडक्शन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाते हो पहले अपने काउंटर पे जाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है, तो गाइडलाइन में ईजी हो जाता है आपको समझाना, ठीक है। इसको चेंज करना है ऐसे कर लो आप, और ऐसे कर लो आप, देखा ना एरो इस तरह यूं जाना आप लोगों ने, आप इसको ऐसे कर लो, कुछ भी है, ये है आपका प्रोसेस। और एक है इसके अंदर जी दिस वन हायरार्की, हायरार्की में मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ ओके, तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आ जाएगा। आप सबसे ऊपर आप यहाँ लिखते हो जी चेयरमैन, द नेक्स्ट वी हैव द GM, फिर आपका आ गया जी मैनेजर अकाउंट्स, उसके बाद जी मैनेजर एडमिन, देन जी मैनेजर प्रोडक्शन। अब आपने इसको कलरफुल करना है, ये देखो आप पहले यहाँ से कलर चेंज करो, हमें जी ये कलर लगाना है इसको, ये ठीक है, और 3D में हमने इसको ये स्टाइल देना है लुक में। अक्सर ये नोटिस बोर्ड पे लगा होता है या ऑर्गेनाइजेशन में या स्कूलों में चार स्टाइल। अब इसमें जो मैंने और कुछ चीज़ें ऐड करनी है, अब आप इसको सेलेक्ट करो, ये देखो ऐड शेप में चले जाओगे तो और ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है, ऐड शेप बिफोर, ऐड शेप अबव, ऐड शेप बिलो,
ऐड असिस्टेंट क्लिक करोगे उसके नीचे एक और आ जाएगा, ठीक है, ऐड टेक्स्ट मैन, यहाँ लिख दो आप असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर, फिर आप इसको ले लो दिस वन, ऐड शेप बिलो, ठीक है, ये आपका आपका जी असिस्टेंट मैनेजर। इसी के साथ आ गया जी आपका बिफोर, तो उसके साथ पहले आ जाएगा। अगर आप करना है आफ्टर बिलो तो उससे नीचे का आ जाएगा। तो आप इस चार्ट को जितना मर्जी एक्सपेंड कर सकते हो एज़ पर योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें आपके सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्लासेस भी हो सकती हैं, मेन हर एनवायरनमेंट के हिसाब से जैसे भी आप कर सकते हो। योर फैमिली हायरार्की वो बना सकते हो, पीछे वो सारी डेवलप कर सकते हो, जो कि हमें अब याद ही नहीं किसी को भी। ये आपका स्मार्ट आर्ट था, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी चार्ट। ये जो सारा ब्लॉक है ना, ये वाला, ये सारी इलस्ट्रेशंस हैं, मतलब पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट एंड स्क्रीनशॉट्स, सारे उससे रेलिवेंट हैं। अगर हम चाहते हैं चार्ट के ऊपर, चार्ट हम बनाते क्यों है, पहले तो ये सोच देखो कि चार्ट इसलिए बनाते हैं ताकि मुझे जो वैल्यूज़ को मुझे पढ़ के चीज़ समझ नहीं पड़ रही है, वो पढ़ के ना एक जस्ट क्विक व्यू से मुझे चीज़ें अंडरस्टैंड कर लूँ मैं। अब आप यहाँ से ये चार्ट ले लो आप, ओके। आपने देखा कि आपके सामने एक्सेल खुल गया है और ये आपका वर्ड है, वर्ड में चार्ट आ रहा है और वैल्यू इधर चली गई। दोबारा देखो आप, हम लोग यहाँ मेरा पॉइंटर है, इंसर्ट चार्ट, इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपका चार्ट यहाँ बन जाएगा और इसकी वैल्यूज़ में के लिए आपको ले जाएगा एक्सेल शीट के अंदर। अब एक्सेल शीट में वैल्यूज़ पुट करोगे तो उसका रिजल्ट आपको वर्ड में शो करेगा चार्ट, कौन सी टाइप लेनी है आपने, ठीक है, लाइन, पाई, बार, एरिया, आप ये फर्स्ट वाला ले लेते हो। आपकी वैल्यूज़ के लिए कहाँ आ गया, एक्सेल के लिए इधर आ गया वैल्यूज और चार्ट बैक पर। अब आप इसमें रहकर अब अपनी मर्जी का वैल्यूज देते हो आप, यहाँ लिखते हो आप, अगर हम लोग यहाँ रखता हूँ मैं, अगर नज़र आए मैं यहाँ लिख देता हूँ कैटेगरीज में लाहौर। अब जैसे मैंने यहाँ लाहौर लिखा है, अब देखो यहाँ भी लाहौर आ गया, उसके बाद में इंटरेक्शन हो रही है वो। अब यहाँ लिखते हैं कराची, देन सियालकोट, कसूर, ठीक है जी। यहाँ कर देते हैं हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है। अब ये जो आपकी इंडेक्स है वो आपका इधर बनता जा रहा है आपका। अब वैल्यू चेंज करें, अगर लो मैं करता हूँ 25, 36, 40, 50, मेरा ग्राफ उसके हिसाब से वैल्यूज को ले रहा है। यहाँ करते हैं 20, 45, 60, 75, ठीक है। अगर फर्दर और ऐड करते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं, फैसलाबाद, और यहाँ हम और ऐड कर देते हैं टेक्सटाइल, ठीक है। ये मैं इसको कर दिया जी क्लोज, ये दोबारा इधर आ, फिर इसको सिलेक्ट दोबारा, मैंने इसको दोबारा एडिट करना है, फिर सिलेक्ट करो इसको, फिर ये आ जाएगा वेल वैल्यू, इसमें आ रहा है एडिट डाटा। एडिट डाटा आपको दोबारा एक्सेल शीट में ले जाएगा, दोबारा क्लोज करोगे फिर दोबारा वापस वहां ले जाएगा।
मतलब कि इसमें अगर दोबारा आपने कोई कमी बेशी करनी है, एडिटिंग करनी है, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ नहीं करना, आपने एडिट डाटे को क्लिक करना है। ठीक है, अब देखो एडिट डाटे को क्लिक करने से पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब देखो कि ये ऑप्शन आपकी डिसेबल है, स्विच कॉलम रो, ये डिसेबल है। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, इसको साइड पे करते हैं, अब इसको दोबारा हम सिलेक्ट करते हैं, देखो ये इनेबल हो गया। इसको सिलेक्शन के बाद ये इनेबल हो गया, लेबल मीन स्विच कॉलम रॉ, कि ये जो इधर जो आपका इंडेक्स आ रहा है वो इधर आ जाए और ये वाली वैल्यूज इधर आ जाए। इसको हम कहते हैं इस ग्राफ की जुबान में लेजेंड, लेकिन वैसे हम लोग जो नॉर्मल सिलेबस में पढ़ते थे इसको हम की कहते थे हम लोग, की। तो इसकी वजह से आपको चार्ट समझ आ रहा है आपको। तो आप इसको करते हो स्विच कॉलम टू रो, तो क्या हुआ, सिटीज इधर आ गए, टॉपिक इधर आ गए आपके। जैसे आप इजी कंफर्टेबल आप रखते हो वैसे कर सकते हो उसको। उसके बाद आपने इसकी, ये बनाने के बाद आपको बाद में याद आता है मैंने इसकी टाइप चेंज करनी थी, तो चेंज टाइप में चले जाओ, यहाँ से मर्जी का कोई भी टाइप चूज कर लो आप, उस टाइप में कन्वर्ट कर देगा आपको। चेंज टाइप, हमें ये चाहिए या हमें चाहिए पाई चार्ट, और दोबारा वापस मैं ला रहा हूँ बिल्कुल प्लेन में। फिर मुझे इसके ऊपर कुछ अगर वैल्यूज आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये मेरे पास है जी लेआउट, उसमें आता है जी आपका डाटा लेबल्स एंड देयर इज वैल्यूज आउटसाइड एंड, ये वैल्यूज ऊपर आ गए, हर एक ऊपर आपको वैल्यूज अब प्रेजेंट कर रहा है। शो कैसे करेगा, चार्ट को सिलेक्ट करो, लेआउट में आ जाओ, डाटा लेबल्स एंड आउटसाइड एंड, अगर इनसाइड एंड करूँगा तो यहाँ पे शो करेगा, और अगर हम करते हैं सेंटर तो सेंटर में शो करेगा, अगर हम करते हैं इनसाइड बेस तो बिल्कुल नीचे, आउटसाइड एंड सबसे टॉप। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है, समझ आ रहा चार्ट। हमें ग्रिड लाइंस चाहिए और बारीक ग्रिड लाइंस, हॉरिजेंटल माइनर भी चाहिए मुझे, माइनर ग्रिड लाइंस, तो बारीक बारीक लाइनें भी आ जाएंगी, और ग्रिड लाइन अगर मुझे वर्टिकल चाहिए, ये माइनर भी चाहिए एंड मेजर भी चाहिए, ये वर्टिकल लाइन आ जाएंगी। फिर चार्ट को जितना कॉम्प्लेक्स करते जाओगे होता चला जाएगा। आप कहते मुझे नीचे टेबल भी नज़र आए साथ इसके, तो टेबल डाटे में जाके आप शक करते हो शो डाटा टेबल, तो नीचे आपको टेबल भी शो करेगा, लेकिन ये टेबल इसमें आप इनपुट नहीं कर सकते, यहाँ वैल्यूज लिख नहीं सकते, लिखने के लिए दोबारा आपको जाना पड़ेगा डिज़ाइन, वहाँ से एडिट डाटे में जाके फिर यहाँ से पुट करना पड़ेगा। वैल्यू पुट करने के लिए ऑलवेज आपको एक्सेल शीट में जाना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्लोज करो आप और दोबारा इधर वापस आ जाओ, इसको सिलेक्ट करो, लेआउट, डाटा टेबल नन, तो ख़त्म कर देगा उसको। मुझे ग्रिड लाइन जो हैं ये भी नहीं अच्छी लग रही, नो, वर्टिकल भी नहीं अच्छी लग रही, नन, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा आपका। अगर इसको आप प्रिंट निकालते हो कंट्रोल पी करके, ये आपका पेज आ रहा है आपका। तो ये कलरफुल बार्स तब आएंगे प्रिंटर में जब आपका प्रिंटर कलर होगा, अदरवाइज ब्लैक एंड वाइट शेड्स में आपको देगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला मसाइल समझ आई सबको? अब्दुल्ला आपको थोड़ी थोड़ी। अच्छा, अब मेरे पास एक चीज़ आ रही है स्क्रीनशॉट, ये वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये वाली स्क्रीनशॉट ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोई साइट विजिट कर रहे हो, किसी वेबसाइट पे बैठे हो आप। हाँ, हम यहाँ पर कुछ साइट खोल लेते हैं, ये अपनी ही कॉलेज की साइट है। फॉर एग्जांपल मुझे ये किसी को मुझे ये भेजना है, ये स्क्रीन्स, हाँ ये वाली। तो आप क्या करोगे, अब एज इट इज़ तो मैं नहीं भेज सकता, उसका तरीका, जिस तरह मोबाइल से ना स्क्रीनशॉट ले लेते हम लोग, हम अपने इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो कैसे, आपके कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होता है, यहाँ पर हर कीबोर्ड में ना डिफरेंट जगह पर है, मेरे पास इधर है प्रिंट स्क्रीन के नाम से, प्रिंट स्क्रीन, और बाज लैपटॉप्स में या कीबोर्ड्स में ऊपर टॉप रो में होता है यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन,
और जो नॉर्मल कीबोर्ड है उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होता है ये, और कुछ कीबोर्ड्स के अंदर आपको फंक्शन के साथ आपको मिलता है ऊपर वो फंक्शन प्रिंट स्क्रीन, हाँ FN के साथ। अब अगर इसको जस्ट मैं यहाँ से प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करता हूँ, जस्ट प्रेस, तो ये क्या करेगा, उस स्क्रीन को फेच कर लेगा, कॉपी कर ली इसने। देन आप मूव कर रहे हो वर्ड में, वहाँ जाके जहाँ भी आपको चाहिए एंटर करके कर्सर अपना वहाँ रखो, कर्सर आपको ब्लिंक कर रहा है इस जगह पर। तो अब आपने जस्ट यहाँ पे आके करना है पेस्ट, कंट्रोल वी, वहाँ से जब आपने प्रिंट स्क्रीन प्रेस किया उसने स्क्रीन को फेच कर लिया। अब जस्ट अब यहाँ पर प्रेस कर रहे हो पेस्ट, अब देखोगे कि आपके पास वो स्क्रीन एज इट इज आ गई, जस्ट क्लिक। अगर आप इसको व्हाट्सएप करना चाहते हो, इफ़ यू हैव अटैच्ड योर व्हाट्सएप मोबाइल योर व्हाट्सएप एप्लीकेशन विद द सिस्टम, अब ये व्हाट्सएप है, आप किसी को भी क्लिक करो यहाँ रख के उसको पेस्ट कर दो, इसको भी सेंड कर सकते हो, तो ईजी हो जाता है अगले बंदे को समझाना, अदरवाइज पूरी आपको स्टोरी लिखनी पड़ती है, एक दफ़ा का जिक्र है ये हुआ फिर वो हुआ, ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ और, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम एक्सेल के नोट्स बनाना चाहें, तो मैं जब करता हूँ ना कंट्रोल ओ, कोई भी डायलॉग बॉक्स खुलता है, हम जिस तरह हमारे पास अभी इंसर्ट जब हमने चार्ट किया है, इंसर्ट चार्ट, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है, मुझे इस डायलॉग बॉक्स को यहाँ पेस्ट करना है, ओनली दिस, इसको MS वर्ड में पेस्ट करना है, एक्सेल में पेस्ट करना है। तो आप क्या करोगे, अब आपने प्रिंट स्क्रीन नहीं करना, अब आपने ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन करना है, ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन, ये क्या करेगा, करंट डायलॉग बॉक्स को फेच कर लेगा, ओनली करंट डायलॉग बॉक्स, ये डायलॉग बॉक्स, ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन मैंने क्लिक किया, इसको बंद करते हैं, यहाँ रख के क्या कर दूंगा मैं, ओनली पेस्ट। तो इस तरह से बकायदा नोट्स लोग बना के आगे सेल करते हैं। तो अब इस ये आ गया ना मेरे पास, ये आ गया फॉर एग्जांपल, अब इससे नोट्स कैसे बनेंगे, अब आप क्या करो, यहाँ से जाओ इंसर्ट में, शेप में चले जाओ, शेप में ये एरो ले लो, इस एरो को ड्रैग करके यूं कर दो, फिर इंसर्ट शेप में चले जाओ, शेप में जाके ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लिख दो, अब इसका मतलब क्या है ये लिख दिया आपने। इस तरह आप हर एक को एरो से ड्रा करके मतलब समझा के अच्छे खासे नोट्स बना सकते हो। जैसा नहीं अक्सर किताबें मिलती हैं उर्दू में, कंप्यूटर सीखें उर्दू में, कोरल ड्रा पे कैसे काम किया जाता है, सारे नोट्स ऐसे बने होते हैं सारे। ठीक है जी, आपका पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, आई थिंक मेरे ख्याल काफ़ी इतना आज के लिए, ताकि डाइजेस्ट हो जाए। हाँ